स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिवर्स यानी नदियां ह्यूमन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट का इम्पोर्टेंट फैक्टर रही हैं। फिर चाहे बात नील रिवर के बैंक पर बसे एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हो या येलो रिवर के किनारे बसे एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन की, ये इन रिवर्स और उनसे मिलने वाले पानी का ही कमाल था जिसने इन एंशिएंट सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ मौजूद रिवर्स और यहाँ बसे ह्यूमंस का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में मौजूद रिवर्स को सिर्फ उनके नेचुरल वैल्यूज़ के लिए प्रीशियस नहीं बल्कि रिलीजियस वैल्यू के लिए भी पूजनीय समझा जाता है। यही कारण है कि आज हमारे यहाँ मौजूद अधिकतर नदियों का नाम किसी देवी यानी गॉडेस के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम उन तमाम नदियों की बात करने वाले हैं जो हर्टलैंड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में बहती हैं, जहां हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी की सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और यूपीपीएससी के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी को यूपीएससी, पीएससी या किसी भी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम का आधार माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आपने इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ा हुआ है तो आपकी तैयारी का बेस मजबूत रहेगा। और आपके इसी बेस को मजबूत करने के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी का लाइव कोर्स, जिसके अंतर्गत आप मात्र 100 दिनों के अंदर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे बल्कि एग्जाम के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद MCQs बेस्ड टेस्ट भी देंगे। और साथ ही लाइव क्लासेस के बाद आपके लिए होंगे डाउट सेशंस, ताकि आप एनसीईआरटी कवरेज के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। और दोस्तों, एनसीईआरटी का ये शानदार बैच आप अवेल कर सकते हैं मात्र और मात्र 1499 रुपीज में, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं जो करीब 15 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जहां छोटी बड़ी अप्रोक्सीमेटली 30 नदियां फ्लो करती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली इन रिवर्स को इनके ओरिजिन पॉइंट के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, हिमालय से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर्स। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स यानी मैदानों से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर्स। और नंबर 3, साउथ प्लेटू से निकलने वाली रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली रिवर्स में गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, घाघरा और गंडकी जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं। क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, इस वजह से इनमें सालों भर पानी मौजूद रहता है। प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर्स में गोमती, वरुणा, पांडू जैसे रिवर्स शामिल हैं। क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पॉइंट प्लेन से होता है, इसलिए समर सीजन के दौरान इन रिवर्स में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है। साउथ प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, कन्हार, रिहंद शामिल हैं। प्लेन से बहने वाली रिवर्स की ही तरह इन नदियों में भी समर सीजन के दौरान पानी की कमी हो जाती है, और यहाँ तक कि इनमें से कई रिवर्स तो समर में पूरी तरह से सूख भी जाती हैं। तो दोस्तों, आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। अगर हम गंगा के ओरिजिन की बात करें तो इंडिया की सबसे पवित्र रिवर कंसीडर की जाने वाली गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। वहीं अपने सफर का अंत इंडिया और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर करती है। अगर गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें यमुना, कोसी, घाघरा, गंडकी और गोमती जैसी अनेक नदियों के नाम शामिल हैं। इनमें से यमुना सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजोय, क्यूल, चंदन, रूपनारायण, तामसा, कर्मनासा और दामोदर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं गोमती, घाघरा, गंडकी, रामगंगा और कोसी गंगा की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, जबकि ये रिवर उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा की एंट्री बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होती है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं गंगा रिवर पर कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स भी बने हैं, जैसे टिहरी डैम, हरिद्वार डैम, रिहान डैम, फरक्खा डैम।
दोस्तों आज गंगा का महत्व सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ाना या यहाँ के लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की पूर्ति कराने तक सीमित नहीं रह गया है। सरकार ने प्रयागराज से हल्दिया तक इस नेशनल वाटरवे वन को डेवलप किया है जो गंगा पर ही मौजूद है, जिसके तहत देश में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड सस्ता और आसान बन पाएगा। दोस्तों गंगा के बाद यमुना उत्तर प्रदेश की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर गंगा की ही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वहीं ये नदी प्रयागराज में जाकर समाप्त हो जाती है जहां इसका संगम गंगा में हो जाता है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहर बसे हैं जैसे आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, गिरी और केन रिवर हैं। वैसे तो यमुना और उसकी सहायक नदियों पर कई सारे डैम्स और बैरेजेस बने हैं, लेकिन उत्तराखंड में बना लखवर डैम इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों घाघरा रिवर भी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक बेहद खास नदी है। ये नदी तिब्बतन प्लेटू के मापचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वहीं इसका एंड बिहार के छपरा में गंगा रिवर में जाकर होता है। ये रिवर माउंटेनियस रीजन में करनाली और प्लेन रीजन में घाघरा कहलाती है। इस नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा रिवर के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट सिटीज बहरीच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, दोहरीघाट, बलिया, अयोध्या, टांडा और राजे सुल्तानपुर है। घाघरा की मेजर ट्रिब्यूटरीज राप्ती, शारदा और छोटी गंडक है। दोस्तों गोमती रिवर एक टेरेस्ट्रियल रिवर है जो उत्तर प्रदेश के पीलभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर लेक से ओरिजिनेट होती है। इसी वजह से फुलहर लेक को गोमती लेक का गोमती ताल भी कहा जाता है। ये रिवर 940 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए गाजीपुर के पास स्थित कैथी नाम की जगह के करीब गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। ये नदी शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गाजीपुर तक जाती है। गोमती रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज सई और खटीना जैसी नदियां हैं। दोस्तों राप्ती रिवर नेपाल के धौलागिरी के साउथ में रुकुमकोट के पास से ओरिजिनेट होती है और ये देवरिया में घाघरा रिवर में जाकर मिलती है। राप्ती रिवर की टोटल लेंथ 640 किलोमीटर है। राप्ती रिवर बहराइच, श्रवस्ती, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर होते हुए देवरिया में जाकर समाप्त होती है। रोहिणी नदी इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है जो गोरखपुर में राप्ती से मिलती है। शारदा रिवर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालापानी नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है। जब ये कालापानी से निकलती है तो इसे काली रिवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टनकपुर से इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है और नेपाल पीलीभीत के बीच बॉर्डर लाइन को डिटरमाइन करती है। शारदा रिवर सीतापुर के पास घाघरा रिवर से मिल जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ महज 160 किलोमीटर है। शारदा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज रामगंगा, सरजू, लोहाघाट, कौनिया और गोरीगंगा जैसी नदियां हैं। वहीं इस रिवर पर शारदा नाम का ही एक डैम भी बना हुआ है। रामगंगा रिवर का भी ऑरिजिनेटिंग पॉइंट उत्तराखंड ही है। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के दूधातोली माउंटेन के वाटरशेड एरिया से ऑरिजिनेट होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है। इस दौरान ये टोटल 596 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कालागढ़ फोर्ट के पास प्लेन्स में एंटर करती है। बिजनौर के बाद ये मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कन्नौज में गंगा रिवर में जाकर मिलती है। रामगंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी खोह रिवर है। वहीं इस रिवर पर कालागढ़ डैम भी बना हुआ है। दोस्तों चंबल रिवर मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ के पास जानापाव हिल से ओरिजिनेट होती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा के बॉर्डर पर बसे हुए औरैया में जाकर यमुना रिवर में मिल जाती है। चंबल रिवर की टोटल लेंथ 1050 किलोमीटर है। रेनी सीजन में इसमें आने वाली सडन फ्लड से जान माल का काफी नुकसान होता है। चंबल रिवर का प्रवाह काफी रेगुलर है जिस वजह से काफी इलाकों का कटाव होता है। इन्हीं कटाव की वजह से चंबल के बिहड़ों का निर्माण हुआ है। वहीं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें काली, सिंध, पार्वती, बनास, सिप्ता शामिल है। वहीं चंबल रिवर पर भी डैम्स बने हुए हैं। इनमें गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बराज अहम डैम्स हैं। चंबल
चंबल की तरह बेतवा रिवर भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। भोपाल के पास कुमरा विलेज या फिर कहें विंध्या रेंज से इसका ओरिजिनेशन होता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी और जलौन होते हुए हमीरपुर में यमुना रिवर से मिलती है। बेतवा रिवर की टोटल लेंथ 480 किलोमीटर है। इसे चेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा की ट्रिब्यूटरीज बिना और धसान रिवर है। वहीं बेतवा रिवर पर माता टीला डैम और राजघाट डैम भी बने हुए हैं। वहीं गंडकी रिवर की बात करें तो ये नेपाल के हाई हिमालयन माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये अपने साथ शालिग्राम स्टोन्स को बहाकर लाती है, इसीलिए इसे नेपाल के हिली पार्ट्स में शालिग्राम और प्लेन्स में नारायणी कहा जाता है। गंडकी रिवर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में बहती है और ये आगे बिहार में एंटर कर जाती है। बिहार में ये पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। इंडिया में गंडकी रिवर की टोटल लेंथ 425 किलोमीटर है। काली गंडकी और त्रिशूली रिवर गंडकी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं गंडकी रिवर पर त्रिवेणी के पास एक डैम भी बना हुआ है। सोन रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल सिचुएटेड शोशाकुंड से ओरिजिनेट होती है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई बिहार के पटना के पास गंगा रिवर में मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 780 किलोमीटर है। रिहंद और गोपद जैसी नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं सोन रिवर पर बने डैम में से बनसागर और इंद्रापुरी बराज इंपॉर्टेंट है। केन रिवर कैमूर हिल के सदन स्लोप से ओरिजिनेट होती है। ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन से होते हुए बांदा में भेजा के पास यमुना रिवर में जाकर मिलती है। केन रिवर की टोटल लेंथ 427 किलोमीटर है। केन रिवर को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। हिंडौन रिवर बेसिकली सहारनपुर के पास बेहद एरिया के कुछ स्मॉल हिल्स के बीच मौजूद वाटर सोर्स से निकलती है। ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर के पास मोमनाथ विलेज के पास यमुना से मिलती है। बेसिकली ये मॉनसून फेड रिवर है। इसमें बेहद स्मॉलर स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं। काली सिंध रिवर राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और ये उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट में जाकर यमुना से मिलती है। वैसे तो इस रिवर की टोटल लेंथ 416 किलोमीटर है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है। दोस्तों कर्मनाशा रिवर बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर रेंज से ओरिजिनेट होती है और ये बिहार के ही बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा ब्लॉक के पास गंगा से मिलती है। उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर से होकर गुजरती है। कर्मनाशा रिवर की टोटल लेंथ 192 किलोमीटर है और इसका 116 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया में सभी रिवर्स रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन कर्मनाशा को शापित माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट रिवर्स। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में हम आपको किस राज्य के नदियों के सफर पर ले चलें। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।